बार फिर से स्वागत है कक्षा 9 के लिए। हम लोग पढ़ रहे थे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो चलिए देखते हैं पिछली वीडियो के जिस तरह देखे थे अब उसके आगे देखते हैं। टोटो रिमेंडेड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो रिमेंडेड माने रहा इन द बैग थैले में एज फार एज सहारनपुर, सहारनपुर तक। टोटो सहारनपुर तक बैग में रहा। बट व्हाइल ग्रैंडफादर वाज producing his ticket at the railway turnstile, but लेकिन while जब grandfather was producing, दादाजी दिखा रहे थे his ticket, अपना ticket at the railway turnstile माने चक्रद्वार पर, turnstile माने चक्रद्वार पर, जहाँ पर टिकट की जांच की जाती है। जब दादाजी अपना टिकट चक्रद्वार पर दिखा रहे थे, Toto suddenly poke his head। टोटो सडनली माने अचानक पोक्ड, बाहर निकाल लिया हिज हेड अपने सर को आउट ऑफ द बैग थैले से। टोटो ने अचानक थैले से अपने सर को बाहर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, एंड द गेव और दिखाया टिकट कलेक्टर टिकट संग्राहक को ए वाइट ग्रीन। ए वाइट ग्रीन मतलब होता है दांत दिखा, टिकट कलेक्टर को अपने दांत दिखाए। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, वह बेचारा आदमी टेकन अबैक पीछे हट गया, वह बेचारा आदमी पीछे हट गया। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, ग्रेट प्रेजेंस माने त्वरित बुद्धि, तुरंत बुद्धि, तुरंत बुद्धि से। एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयस, और दादाजी को नाराज करते हुए, तुरंत बुद्धि से और दादाजी को नाराज करते हुए ही से उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, श्रीमान आपके पास एक कुत्ता है, कहता है श्रीमान आपके साथ एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, यू विल हैव टू पे, आपको जुर्माना देना होगा अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार आपको उसके अनुसार जुर्माना देना होगा। इन वेन Did grandfather take Toto out of the bag? In vain, माने व्यर्थ ही, vain माने तो व्यर्थ, व्यर्थ ही did grandfather take, दादाजी ने बाहर निकाला Toto को out the bag थैले से, व्यर्थ में ही दादाजी ने Toto को थैले से बाहर निकाला। In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog. In vain, व्यर्थ ही he tried to prove, उन्होंने कोशिश किया साबित करने का that a monkey, कि एक बंदर did not qualify as a dog, एक बंदर कुत्ते की श्रेणी में नहीं आता। और व्यर्थ ही उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की एक बंदर कुत्ते की श्रेणी में नहीं आता। Or even as a quadruped, or even, या फिर एक क्वाड्रप्ट माने होता चौपाए या चार पैरों वाले, या फिर किसी चार पैरों वाले की श्रेणी में। टोटो वाज क्लासिफाइड डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टोटो क्लासिफाइड माने वर्गीकृत कर दिया गया ए डॉग, एक कुत्ते के रूप में बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट संग्राहक द्वारा। टोटो टिकट संग्राहक द्वारा एक कुत्ते की श्रेणी में कर दिया गया। And 3 rupees was the sum handed over as his fare. And 3 rupees और 3 rupees was the sum handed over his fare. माने उसके फीस के रूप में, उसके जुर्माने के रूप में दी गई 3 rupees, उसके जुर्माने के रूप में दी गई। Then grandfather just to get his own bag. Then तब grandfather दादाजी just to get his own bag to from his pocket out petardized. तब दादाजी ने अपना बदला लेने के लिए क्या किया, from his pocket जेब से निकाला petardized, माने उस थैले से अपना पालतू कछुआ भी निकाला। बस दादाजी ने बदला लेने के लिए थैले से अपना पालतू कछुआ भी निकाला। And said, और बोले, what must I pay for this? मैं कितना इसके लिए कितना पैसा दूँ, इसके लिए कितना जुर्माना दूं? Since you charge for all animals, जबकि तुम सभी जानवरों के लिए वसूल करते हो, क्योंकि तुम सभी जानवरों के लिए पैसा लेते हो, इसके लिए भी कितना दूं? The ticket collector looked closely at the tortoise. The ticket collector टिकट संग्राहक ने look closely बहुत नजदीक से देखा at the tortoise कछुए को, टिकट संग्राहक ने कछुए को बहुत नजदीक से देखा।
प्रोडेड इट विथ हिज फोर फिंगर। प्रोडेड माने क्या किया कि उसे तर्जनी उंगली से, प्रोडेड माने दबाया, तर्जनी उंगली से अपनी तर्जनी उंगली से उसे दबाया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रम्फेंट लुक एंड ग्रेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रम्फेंट लुक प्रसन्न और विजयी दृष्टि, विजय पूर्ण दृष्टि दादाजी के ऊपर डाली एंड सेड और कहता है नो चार्ज, कोई रुपया नहीं, इट इज नॉट डॉग या कुत्ता नहीं। ठीक है, दादाजी की तरफ मुस्कुराता है देख के और कहता है कोई रुपया नहीं या कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. When जब Toto was finally, Toto अंत में accepted स्वीकार कर लिया गया by grandmother, दादी जी के द्वारा, he was given उसे दिया गया a comfortable home in the stable, एक सुविधाजनक आरामदायक घर in the stable माने अस्तबल में। जब Toto अंत में दादी जी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो उसे अस्तबल में एक सुविधाजनक आरामदायक घर दिया गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी, वेयर जहाँ पर ही हैड उसके साथ थे फॉर कंपेनियन साथी के रूप में द फैमिली डंकी माने एक गधी, जहाँ पर उसके परिवार के रूप में उसके साथ एक गधी थी नाना, जिसका नाम नाना था। आंट टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, आंट टोटोज टोटो की पहली रात इन द स्टेबल अस्तबल में, टोटो की अस्तबल में पहली रात पर ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, ग्रैंडफादर पेड हिम दादाजी गए अ विजिट टू सी उसे देखने के लिए, दादाजी उसे देखने के लिए गए इफ ही वाज कंफर्टेबल कि क्या वह आराम से है, सुविधा से है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, टू हिज सरप्राइज अपने आश्चर्य में ही फाइंड फाउंड वह पाए नाना, वह नाना को पाए विदाउट अपीरियंट केस, विदाउट अपीरियंट केस माने बिना किसी कारण के पुलिंग एट हर हेल्टर हाल्टर अपनी रस्सी को खींचते हुए, वह नाना को बिना किसी कारण के अपनी रस्सी को खींचते हुए पाए एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे एंड ट्राइंग और प्रयत्न कर रही थी टू कीप हर हेड दूर रखने का अपने सर को एज फार एज पॉसिबल जितना संभव हो सकता था फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे घास के तिनके से, घास के ढेर से, और घास के ढेर से जितना भी संभव हो सकता था अपने सर को दूर रखने का प्रयत्न कर रही थी। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हंचेस, ग्रैंडफादर गेव दादाजी ने नाना स्लैप नाना के पुट्ठे पर हर हंचेस और उसके पुट्ठे पर एक थप्पड़ मारा एंड सी जर्क बैक और वह उछल गई ड्रैगिंग टोटो विथ हर, ड्रैगिंग टोटो विथ हर टोटो को अपने साथ घसीटते हुए। ही हैड फास्टेंड ऑन हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, ही हैड फास्टेंड उसे धसा दिए थे ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स उसके लंबे कानों पर विथ हिज शार्प लिटिल टीथ अपने छोटे तेज दांतों को, टोटो ने अपने छोटे तेज दांतों को उसके लंबे कानों पर धसा दिए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड, टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बन पाए, टोटो और नाना कभी भी मित्र नहीं बन पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, अब आप लोगों को इसमें जो कोई प्रॉब्लम हो हमारे नंबर 8808-38-48-01 पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप लोग अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।